मैं गिरीश कुमार और मेरे चैनल का नाम है डांस कोरियोग्राफी और मैं आज आपको मून वॉक बताने वाला हूं जो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लो। चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। मून वॉक में सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को ये जोड़ के करना है ऐसे कि ये दोनों पैरों को ये जोड़ना है। जोड़ने के बाद फर्स्ट पैर को किसी भी पैर को दोनों में से किसी को पीछे की ओर खींचना है और खींचने के बाद सीधा पंजे पे लेना है। पंजे पे लेने के बाद इस पर लोड जो पैर तुमने पंजे पे लिया है ना उस पर वजन रख के दूसरे वाले पैर को स्लिप करके पीछे खींचना है फिर उसे पंजे पे लेना है फिर वही करना है। चलो दोबारा बताता हूँ। जैसे कि हमने दोनों पैर ये किए ये करने के बाद हमें एक पैर खींचना है ये खींचा और पंजे पे ले लिया ये खींचने के बाद फिर दूसरा खींचना है उसी पंजे पे लूट लेते हुए फिर वही क्रिया करनी है ये 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 और सेकंड स्टेप इसमें ये है। जैसे कि आपने ये पैर खींचा ये पंजे पे लिया और पंजे पे लेने के बाद फिर ये वाला खींचेंगे ना जैसे 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 खींचते जाएंगे तो उसे जो पैर हमारा खींचा हुआ है उसे डाउन करते जाएंगे जो डाउन है उसे अप करते जाएंगे जो डाउन है उसे अप जो अप है उसे डाउन। जैसे कि ये हमारा ये वाला लेग जो है ऊपर की तरफ है तो इसे इसे डाउन करते जाएंगे जो पैर हम खींच रहे हैं उसे उठाते जाएंगे उठा लिया अप कर लिया। जैसे कि ये अब हमारा अप है ये वाला पैर अब ये अप है तो इसे आप इससे इस वाले पैर को खींचेंगे ना इसे डाउन करते जाएंगे उसे उठाते जाएंगे ऊपर की तरफ अप करते जाएंगे उसे डाउन अप डाउन अप। और इसमें थर्ड स्टेप इसमें ये है। जैसे कि हमने ये पैर खींचा खींचने के बाद जो हमारा लेग है जो खींचा हुआ है उसे हमें उसका घुटना है ना बाहर की तरफ निकालना है जितना हो सके उतना बाहर निकालना है। जैसे कि ये किया या अब जो हमने जो पैर खींचा जो हमारा घुटना बाहर है उसे जितना हो सके उतना बाहर निकालना है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी क्लियरिटी आने लगेगी उसे खींचने के बाद ये। चलो एक बार और बताता हूं। जैसे कि हमने ये पैर खींचा खींच लिया और हम दूसरे पैर को खींचेंगे ना तो इससे जो हमारा अप है ये पैर हमारा उस पर है अप है तो इसे आपको इसे डाउन करते जाएंगे जो खींच रहे हैं उसको अप करते जाएंगे और इसमें जो अप किया हुआ है हमारा पैर उसका घुटना हो सके उतना बाहर निकालना है। फोर स्टेप में आपको ये है ना शोल्डर चलाने जो मैंने मूवमेंट बताई है तीनों स्टेप में मिला के आपको शोल्डर चलाने हैं। शोल्डर चलाने कैसे हैं ये देखो। जैसे हमने ये पैर खींचा तो जो पैर खींचा ना शोल्डर उस उधर की साइड में डाउन करना है जो पैर को हम खींच रहे हैं उसके साथ में ही डाउन करना है। अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो को ज्यादा शेयर करो कमेंट करो लाइक करो। अगर आप कमेंट करते हो तो आप मुझको बहुत खुशी होती है और मेरा वीडियो बनाने को बहुत मन करता है।